आज मैं आपको ऊन के फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए कुछ ज़रूरी सामान है, वो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मैंने लिया है एक ऊन, धागा, कैंची और ये ग्रीन कपड़ा है, ठीक है। ये पहले से मैंने काटा हुआ है और ये एक सीख है, झाड़ू की सीख है, लेकिन आप इसके जगह पर तार वगैरह भी ले सकते हैं। फेविकॉल है, ठीक है। और मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। फ्लावर बनाने के लिए आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हाथों से ही बना रही हूँ। मैंने अपनी चारों उंगलियों को इस तरह से जोड़ा और उसके बाद इस पर इसको लपेटना शुरू किया। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना घना बनाना चाहते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कितना घना बनाना है। इसको हम इस तरह से लपेटेंगे और देखिए ये मैंने इतना 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 लेना है, ठीक है। मैंने इतना लिया, अब मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ, ठीक है। और मैं इसको अपने हाथों में से मैंने निकाल लिया एंड इसको डिवाइड किया। ये डिवाइड किया गया बीच में से और मैंने ये धागा टूट नहीं रहा है, मैंने इससे बांध लिया इसको। और बांधने के बाद मैंने इसी से इसको एक गांठ लगा दी, ठीक है। इसको मैंने काटा, काटने के बाद मैंने बीच में से जो कि इनको काट दिया, इस तरह से बिखर जाएंगे। ये देखिएगा कहीं आपको लगता है कि बीच में छोटा हुआ है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। और अगर यहाँ कहीं आपको ऊंचा नीचा लगता है तो आप थोड़ा छाट भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया, ठीक है। ये फ्लावर तैयार हो गया, फ्लावर हमने साइड में रखा। उसके बाद हमने सीख को लिया और इस सीख पर हम फेविकॉल से थोड़ा सा कपड़ा लपेट देंगे, जिससे थोड़ी ये अच्छा लगेगा। ये देखिएगा, ये हमने कपड़ा लिया, इसका एक कोना लिया और इस पर इस तरह से लपेटना शुरू किया। क्योंकि अगर इसमें हम खाली लगाते तो ये अच्छा नहीं लगता, अब ये अच्छा लगेगा। जो बचा वो हमने काट लिया, इसको हमने इस तरह से तैयार कर लिया। इस फ्लावर को थोड़ा सा यहाँ पे फेविकॉल लगा के इसी के ऊपर हमने इसे चिपक जाएगा, क्योंकि थोड़ा फेविकॉल को सूखने में भी टाइम लगेगा। ये मैंने एक आपको बना के दिखाया और मैंने और इस तरह से बनाए हुए हैं, ये देखिएगा, ठीक है। मैं इसको भी इसी में लगा देती हूँ, ठीक है। अब ये एक कंच का गिलास है जो टूट गया था, तो मैंने इसको डेकोरेट करके और इसमें इसको लगा दिया मैंने इस तरह के। मेरे पास दो तीन गिलास और हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए ये एक गिलास, ये भी ऐसे ही टूटा हुआ गिलास है, लेकिन इस पर मैंने ग्लू गन से डेकोरेशन की हुई है, ठीक है। इसको मैं इसमें भी रख सकती हूँ। और एक गिलास देखो ये है, इस पर मैंने ये कुछ कंच के लगा के इससे डेकोरेशन की है, देखिएगा। अगर मैं इनको इससे निकाल के अगर इसमें लगा देती हूँ, ये देखिएगा, किसी में भी आप लगा सकते हैं एंड बहुत अच्छे लगेंगे। इसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, कोई मोती भर सकते हो, कुछ भी, मतलब वेट करने के लिए कोई भी चीज़ भर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर ही इसको रखा था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसमें किस तरह से लगाना चाहते हो।
ये मेरा फ्लावर पॉट तैयार है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।